सिंगरौली में ग्रीष्मकालीन समर स्पोर्ट्स कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यहां सभी से जमकर खेलने का आह्वान करते हुए उन्हें स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। तेरा पंचायत में ग्रीष्मकालीन समर स्पोर्ट्स कैंप में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह विशेष रूप से मौजूद रहे। सिंगरौली सिंघम स्पोर्ट्स के अध्यक्ष संजय शाह का इस आयोजन में विशेष योगदान रहा। इस समर कैंप में बच्चों को तमाम खेल गतिविधियों, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित स्वच्छता को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। विधायक रामनिवास शाह ने कैंप के लिए 1,60,00,000 रुपए दिए, जहां युवा खेलकूद कल्याण विभाग के माध्यम से कई सामग्रियां उपलब्ध कराई गईं। विधायक रामनिवास शाह कैंप में बच्चों के साथ योग व प्राणायाम भी किया। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों से कहा कि आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, हम खेलकूद से लेकर पढ़ाई लिखाई तक सभी व्यवस्थाएं करेंगे। उन्होंने बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और कहा कि खेल भी स्वच्छता के साथ होना चाहिए। तथा यहाँ खेल युवा कल्याण विभाग की ओर सौजन्य से यह समर कैंप चल रहा है। हम देख पा रहे हैं युवा बच्चे बड़ी अच्छी तरीके से जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं वहीं योगा कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। संख्यात्मक बच्चों का जो यह प्रशिक्षण शिविर है, इससे आने वाले उनके अच्छे नेक कार्यक्रम उभर करके सामने आएंगे, जिसको हम सब देख पाएंगे। आने वाले समय में और भी जागरूकता इससे होगी। यह ग्रीष्मकालीन खेल जो प्रारंभ हुआ है, यह कैंप के माध्यम से, प्रशिक्षकों के माध्यम से युवाओं में प्रेरणा का एक स्रोत है। ये विधायक बने और ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो, और ये विधायक भी बने और सौभाग्य भी दिए इन्होंने, तो ये सबसे बड़ी हमारे तेरा के लिए सौभाग्यशाली है कि हम लोगों के स्टेडियम के लिए दर दर कहीं किसी खेत में जाते हैं कभी खेलने। ये क्योंकि हमारा आज से नहीं, मैं जब 8-9 साल का था तब से खेल स्टार्ट किया था और धीरे धीरे स्वयं सेवकों के द्वारा बढ़ता गया और आज यहाँ तक ये चीज़ें आई हैं। और हम क्या है कि अब धीरे धीरे ग्रीष्मकालीन संजय सिंघम के द्वारा ग्रीष्मकालीन वो किया गया, तो उससे बच्चों को मतलब प्रोत्साहन हो खेलने का वो जगह और अच्छे से जगह पे जाए, ऐसा हम सब लोगों ने सोचा है। सबके सब हमारे साथ सहयोग देते रहते हैं और माननीय जी का बहुत बड़ा आभार है कि इस बार उन्होंने थोड़ा बढ़ चढ़ कर हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया और इन्होंने अपने माध्यम से कई जगह से बात करके आज हम लोगों को लग रहा है कि नहीं, माननीय जी ने हम लोगों को बहुत बड़ा योगदान दिया। और इन्होंने सबसे प्रथम अगर विधायक बनते ही सबसे पहले, और तो वैसे भी वास्तव में कहा जाता है कि तेरा विधायक का दूसरा घर ही है और वास्तव में आज भी वही है, ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे पहले अगर बना तो सबसे पहले हमारे तेरा को ही उपहार दिया, इसके लिए बड़ी सौगात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।